मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर फोर और मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर फाइव रीड करेंगे, टेबल्स इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड में कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। यस, लर्निंग पॉइंट्स: इंसर्टिंग टेबल, फॉर्मेटिंग टेबल, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, मर्जिंग सेल, टेबल्स स्टाइल, एंटरिंग डाटा, इंसर्टिंग रो कॉलम इन अ टेबल, स्प्लिटिंग सेल, डूइंग कैलकुलेशन इन टेबल्स। MS Word 2016 offers a feature of presenting data in a tabular form. MS Word है 2016 जो हमें फीचर प्रोवाइड करता है टेबल क्रिएट करने का। हमें 10 में भी प्रोवाइड है और 7 में भी। यस, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ अ रो एंड कॉलम। टेबल क्या होती है बेटा? रो एंड कॉलम का मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं टेबल। द वर्टिकल डाटा इज कॉल्ड अ कॉलम एंड द हॉरिजेंटल डाटा इज कॉल्ड अ रो। देखिए, वर्टिकल डाटा कैसे होते हैं, ये जो डेटा है, ये वाले कॉल ये है, इन्हें बोलते हैं कॉलम, और ये जो कंप्लीट है हॉरिजेंटल, ये क्या है अपनी रो। यस, ईच इंडिविजुअल यूनिट रेक्टेंगुलर इज यूज इज कॉल्ड अ सेल। जो इंडिविजुअल यूनिट, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, इंटरसेक्ट करते हैं रो एंड कॉलम जहाँ पर, तो वो क्या बनती है, सेल, इसे बोलते हैं सेल। टेबल्स आर वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा इन एन इफिशेंट वे। टेबल बहुत यूजफुल है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यस, इंसर्टिंग टेबल। अब टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं? यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड अ सेल। मैंने आपको अभी बताया था, जो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट होता है जहाँ पर वो एक दूसरे को काटती है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है उसे बोलते हैं सेल। वर्ड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल। और एमएस वर्ड हमें बहुत सारी वैराइटीज प्रोवाइड करता है टेबल क्रिएट करने के लिए। टू इंसर्ट अ न्यू टेबल, प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू टेबल टू अपियर। हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें टेबल क्रिएट करनी है, इंसर्ट करनी है, वहाँ पर अपना माउस पॉइंटर होता है, उसे वहाँ जाकर क्लिक कर देंगे। यस, अब देखिए स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। देखिए, टेबल कहाँ पर मिलता है, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से विंडो ओपन होगी, ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। यस, आप यहां से भी सेलेक्ट करके कॉलम्स और रो ले सकते हैं, और या फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अनदर लिस्ट ओपन होगी। यहां पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कितने कॉलम लेने हैं, कितने आपको रो लेने हैं, उस पर राइट कर देंगे, और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। यस, स्टेप टू, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जब हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ कॉलम एंड रोज इन अ डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। मैंने आपको अभी बताया, कॉलम और रो में हम क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे हमें कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टेप फोर, व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल टू न्यू टैब, डिजाइनिंग एंड लेआउट ऑल्सो अपेयर ऑन द रिबन डिस्प्लेइंग वेरियस टेबल टूल्स। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं तो देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है ये डिज़ाइन, और ये आप हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि आप यहाँ से कोई भी टेबल फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन के आप टेबल ले सकते हैं। तो यहाँ हम चेकबॉक्स पे डाउन पे क्लिक करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा ये, और इसमें बहुत सारी टेबल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी, किसी भी तरह के हम टेबल ले सकते हैं। यस, यूजिंग इंसर्ट टैब ऑप्शन फ्रॉम रिबन। आप इंसर्ट टैब कैसे यूज करते हैं रिबन का, टू इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम द गिवन स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, ये इंसर्ट टैब है आपका। क्लिक द टेबल फॉर्म द टेबल ग्रुप, और क्या करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और इंसर्ट टेबल पर जाकर सेल्फ डिसाइड करके कि कितने कॉलम्स और कितने रो हमें लेने हैं। अगर आप देखिए, इससे ज़्यादा आपको रो एंड कॉलम्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ही करना पड़ेगा। अगर आपको 3 कॉलम्स और 5 रोज या 10 रोज ऐसे लेनी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही आपके टेबल क्रिएट हो जाएगी, उतनी कॉलम्स और रो की। यस,
Step 3. Select the number of rows 5 and column 3 for the table by dragging the mouse over the small box. और आप क्या करेंगे, ड्रैग करते रहेंगे, ड्रैग करके जैसे आप रिलीज करेंगे बटन को, अपने आप क्या आ जाएगी, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है और अब आप इसमें राइट करना स्टार्ट करेंगे। यस, यू सी द टेबल gets inserted automatically with the selected number of row and column. और जैसे ही आप इन row and column को select करेंगे automatically appear हो जाएगी। Yes, आज हमने इस chapter में बेटा table कैसे create करते हैं, two types हम create करना देखा है हमने, एक तो manually और एक direct column और rows select करके, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और एक insert table पर अपने अपने जैसे हम कितने कॉलम लेना चाहते हैं और कितने रोज लेना चाहते हैं उसे टाइप कर कर और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और डेस्कटॉप अपनी जो स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो की उस पर वो टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप इसे रीड करना। थैंक यू।